अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं रहमान अली और आप देख रहे हैं रहमान अली ऑफिशियल। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम जो अमल आपको बताने वाले हैं वो अल्लाह ताला के नाम का ऐसा अमल है कि आप अगर इसको रोज़ाना करें तो आपकी ज़िंदगी में ये अमल दोस्तों बहुत ही बड़ी कामयाबी का सबब बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल जो है इसको आप चलते फिरते कर सकते हो, और अगर आपका कोई जायज मकसद है या आपकी जायज कोई तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है, वो इंशाल्लाह आपका हर जायज मकसद पूरा होगा। आपकी जो घर की, आपकी कारोबार की परेशानी है या और कोई परेशानी है, वो आपकी परेशानी दूर होंगी। घर में इंशाल्लाह ताला बेशुमार बरकत होगी। अगर कोई काम आपका रुका हुआ है, काम काफ़ी दिन से नहीं हो रहा है, तो वो रुका हुआ काम पूरा होगा। और अल्लाह ताला से इस अमल को करने के बाद आप जो भी मांगोगे इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, कौन सा वो अल्लाह का नाम है और कौन सा अमल है, हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि वो कौन सा अमल है और वो कौन सा वजीफा है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप इसका तरीका समझ लें। अगर आपकी समझ में इसका तरीका आ गया तो ये अमल आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपकी समझ में तरीका नहीं आया तो ये अमल आपकी समझ में नहीं आएगा। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले ये अगर वक्त की बात करें तो आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हो। पाक साफ रहना है और आपको पाक साफ रह के ये अमल करना है, और इस अमल को आप चलते फिरते भी कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने से पहले जब आप इस अमल को करो तो अपने दिल में जो हाजत है आपकी, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हो, उसको अपने दिल में रखो और इंशाल्लाह ताला पांच वक्त की नमाज़ों की पाबंदी रखो। प्यारे दोस्तों, अगर हम पांच वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आधी मुसीबतें वैसे ही ख़त्म फरमा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, कौन सा वो अमल है? शुरू में आपको तीन बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई भी जो आपके याद हो, वो आप वही दरूद पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद 100 बार या रज़ाकु या रहमानु, या रज़ाकु या रहमानु, आपको 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम या रज़ाकु या रहमानु, या रज़ाकु या रहमानु, या रज़ाकु या रहमानु, या रज़ाकु या रहमानु, इस तरह से आपको 100 बार पढ़ना है। और आखिर में आपको वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो नेक हाजत हैं, जो आपकी नेक तमन्ना है, वो पूरी होंगी। घर में बेशुमार बरकत होगी। अगर कारोबार में घाटा हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपका कारोबार अच्छा चलेगा और इंशाल्लाह ताला घर में खैर बरकत होगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी हमारी वीडियो लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।